दो लोग बाइक पर आए थे अराउंड सुबह 5 बजे और वो हवा में फायरिंग की उन्होंने और उसके बाद वहां से वो भागे, तो हमने उसके हिसाब से FIR रजिस्ट्रेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर कितनी राउंड टोटल फायरिंग की गई और क्या कुछ पुलिस को बरामद हुआ? सर वहां 4-5 राउंड फायर हुए थे, हवा में फायरिंग की गई थी और उसके हिसाब से खाली केसेस मिले हैं और फॉरेंसिक टीम्स हमारी सब है और हम उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें कुल कितनी टीम तो बनाई गई, क्या अपडेट है सर? हमारी 15 से ज्यादा टीम्स बनी है और हम आरोपी को जल्दी ढूंढेंगे, उसके हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्या कुछ पता चल पाए कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, उनके बुलेट कौन से, बंदूक कौन सी थी, कहाँ से कुछ पता चल पाए? जी फिलहाल आरोपी अभी तक नहीं मिले हैं, हमारी टीम्स लगी हुई है, जब वो मिलेंगे तब हम बता सकते हैं। कुछ मकसद पता चल पाया सर, क्या वजह थी इसके पीछे फायरिंग कर ली, कुछ वजह पता चल पाया? जी फिलहाल हम नहीं बता सकते इसके बारे में, बट आरोपी का मिलना उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं अभी और जब मिलेंगे देन वी विल नो मोर। जैसे टीम्स लगी हुई है जहां पर जैसी जरूरत है उसके हिसाब से इंट्रोगेशन स्टेटमेंट हो सके हो रहे हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई, हालांकि हमने देखा इसके पहले सलमान खान को धमकी भरा मामला कॉल आया था, थ्रेट आया था, क्या उस एंगल से जांच होगी? वो पहले का फैक्ट है, अभी रिसेंट जो आज का केस है उसके लिए कुछ भी ऐसा अभी रिकॉर्ड पर नहीं है। जब ये फायरिंग हुई, क्या सलमान खान इनके फैमिली वहां पर मौजूद थे घर में जब ये फायरिंग की गई? ये उनकी टीम बेटर बता सकती है।